हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका क्वेश्चन है कि जब हम कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बिना किसी ट्रेन के क्रॉसिंग या बिना किसी स्टेशन के हमारी ट्रेन बीच रास्ते में क्यों रुक जाती है, जबकि उस टाइम कोई ट्रेन क्रॉस भी नहीं करती है और रूट पूरी तरह से क्लियर होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बिना किसी क्रॉसिंग या स्टेशन के ट्रेन बीच रास्ते में क्यों रुकती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन रेलवे में ट्रेन के परिचालन के सिस्टम को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इसके ऊपर पिछले दो वीडियो में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करवा दे रहे हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल सके। दोस्तों, रेलवे में ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगह अभी भी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नल का यूज किया जाता है, जिसके कारण दो ट्रेनों के बीच एक पर्याप्त दूरी मेंटेन की जाती है। मतलब कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी अगर 4 से 6 किलोमीटर की है तो एक ट्रेन को सिग्नल देने के बाद दूसरे ट्रेन को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक वह अगले स्टेशन तक ना पहुंच जाए। और अगर दो स्टेशनों के बीच की दूरी 12 से 14 किलोमीटर के बीच है तो ऐसे स्टेशनों के बीच में एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल IBS का यूज किया जाता है। और अगर किसी ट्रेन को पहले से सिग्नल दिया गया है तब उसके पीछे वाले ट्रेन को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक वह इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल को क्रॉस ना कर ले। इसीलिए ट्रेन को बीच रास्ते में बिना किसी क्रॉसिंग या स्टेशन के रोक दिया जाता है। दोस्तों, ट्रैक पर ट्रेन के अलावे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेंटेनेंस वैन, मैकेनिकल मेंटेनेंस जैसी चीजें होती है जिसके कारण ट्रेन को रोका जा सकता है। अगर किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहले से ही ट्रेन हो और कोई प्लेटफॉर्म उस ट्रेन के लिए खाली ना हो तब भी ट्रेन को स्टेशन से पहले रोक दिया जाता है। ट्रैक पर इमरजेंसी मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस के दौरान भी ट्रेन को बिना किसी क्रॉसिंग या स्टेशन से पहले रोका जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।